दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके। आज हमें बबीना जिला पंचायत क्षेत्र में, जहां पर एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी समय से राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं और आज वो चुनाव मैदान में है। बबीना जिला पंचायत सदस्य बात करते हैं। स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? मैं ज्ञानचंद जैन। लगभग पिछले 45 साल से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूं। इस बार ही मैंने भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी पत्नी श्रीमती सरोज जैन के लिए। तो अभी तो जहां तक मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? जी हाँ, इतने दिनों तक 45 वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बाद अब जब सत्ता में पार्टी है तो उस समय ऐसा माहौल तैयार हो गया है, पार्टी इस मोड़ पर आ गई है कि जो दल बदल कर दूसरे दलों से आ रहे हैं लोग और जिले के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की चापलूसी करते हैं और उनकी चापलूसी में धन बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जनप्रतिनिधि और नेता भी, नेतृत्व हमारा उनके साथ रहता है और उनको चुनाव में दल बदलों को टिकट दिया गया है और बाहर से आए हुए व्यक्तियों को क्षेत्र पर थोप दिया गया है। इसी का विरोध करते हुए मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं, आगे भी पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। लेकिन जो दल बदलू नेता 3 महीने पहले आए और उनको टिकट दे दिया गया, उन्होंने दूसरे दलों में रहकर क्षेत्र के लोगों को परेशान किया और क्षेत्र को लूटा, जनता के धन का बर्बाद किया और सरकारी धन का भी लूट की और आज पुनः सत्तारूढ़ पार्टी में आकर के दल बदलू नेताओं को टिकट दिया गया और वे फिर से इस क्षेत्र की जनता को लूटने का काम करेंगे। क्षेत्र का व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए अपना काम करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 45 वर्षों तक जो क्षेत्र की जनता की मैंने सेवा की है उसके बदले में क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस चुनाव में मेरी बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त। अच्छा, आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो क्या जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है और जो लड़ रहे हैं, क्या वो क्षेत्र के लोग नहीं है? क्या जनता तक वो नहीं पहुंचेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो पिछले जिला पंचायत चुनाव में फुटेरा जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था, उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव वहाँ से हार गए थे और इस बार 2-3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त किया है। आगे ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जनता को भी भरोसा नहीं है कि अभी इस पार्टी में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल था क्या वो क्षेत्र बबीना विधानसभा क्षेत्र के नहीं है? क्षेत्र के नहीं है और लोग क्षेत्र की जनता उन्हें जानती नहीं है, वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव में आए हैं और जनता को गुमराह करके उनका वोट प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात तो खैर हो गई पार्टी की और राजनीति की, अब हम बात करते हैं चुनावी मुद्दों की। वैसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, बबीना क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर आप जीते तो आप उनकी इन चीज़ों को, इन समस्याओं को दूर करेंगे और क्या नया करेंगे? क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हों, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएं, गांव-गांव में विद्यालयों की स्थिति अच्छी हो जाए, स्कूलों में शिक्षक समय से आएँ, समय से पढ़ाई हो और हर किसान को जो पानी की उपलब्धता हो, सिंचाई के लिए पानी उनको मिल सके और भी जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी, सड़कों की समस्या होगी, क्षेत्र में जहां समस्याएं सड़क की हैं वहां भी सड़क बिछ जाए, सड़क हो जाए और भी जो भी समस्याएं क्षेत्र की जनता के लोग बता रहे हैं मैं उनको नोट कर रहा हूं और आने वाले समय में उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हट के आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो ये विद्रोह कहलाएगा। ये विद्रोह कहलाता है कि जब आप पार्टी को छोड़कर एक निर्दलीय अपनी पार्टी के अगेंस्ट जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं पार्टी के प्रति विचारधारा आपकी जा रही है या आने वाले समय में आप पार्टी को सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं या पार्टी से अलग होने की? पार्टी के विरोध में कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं मैं, केवल मेरा विरोध जो बाहर से दूसरे दलों से आए हुए प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका विरोध कर रहा हूं, पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं और पार्टी के साथ हमेशा रहा हूं, आगे ही पार्टी के कार्यक्रमों में जाता रहूंगा और पार्टी के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा पूरे जीवन भर पार्टी की सेवा करता रहूंगा।
इसके अलावा कुछ और मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है, जो अभी तक दूर नहीं हुई और जीतने के बाद सबसे पहले उस चीज़ पर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ मुझे जो समझ में आ रही है घूमने के बाद, पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है और सिंचाई के लिए भी पानी की समस्या है। इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि घर घर तक पानी पहुंच जाए पीने के लिए, स्वच्छ जल मिले लोगों को पीने के लिए और सिंचाई के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बबीना जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ज्ञानचंद जैन जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी से सिर्फ इसलिए अलग हुए हैं, पार्टी से अलग नहीं हुए, माफ कीजिएगा, वो सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि पार्टी को ये समझ में आए कि जो प्रत्याशी या जो उनके कैंडिडेट सालों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और जब ऐसे चुनाव का समय आता है तो बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया जाता है नेताओं की चापलूसी की वजह से। और भी इस तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी, देखते रहिए न्यूज़ वीके।